मेरे अजीज दोस्तों को जिशान का प्यार भरा सलाम। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बरेली की मशहूर, जी हाँ हमारे बरेली की मशहूर मिठाई, जो सिर्फ सर्दियों में ही मिलती है। आज हम बनाएंगे बरेली का मशहूर तिलबुग्गा, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मेरे स्टाइल में। मैंने एक पैन लिया है, इसमें डालेंगे 200 ग्राम तिल। हम तिल को थोड़ा सा भून लेंगे। हम चलाते जाएंगे, ये हम चला इसलिए रहे हैं क्योंकि तिल हमारे बराबर मात्रा में सही से भुन जाए। ये आप देख सकते हैं कि तिल कितनी अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगा खोया यानी मावा, ये 250 ग्राम मावा है। मैं मावा को थोड़ा सा भून लूंगा। मावा हमारा जल्द से जल्द भुन जाए इसलिए मैं इसके छोटे छोटे पीस कर लेता हूँ। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मावा कितनी अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैं इसमें डालूंगा हरी इलायची के बीज, ये लगभग 4 इलायची के बीज हैं। ये सारे बीज मैं डाल देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा चलाऊंगा ताकि बीज जो है भुने हुए मावा में सही से मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें डालता हूँ दूध, ये आधा गिलास दूध है यानी 50 ml दूध है ये। अब हम दूध और मावा को आपस में बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, इसलिए हम चलाते जाएंगे और मावा के लम्स खत्म करते जाएंगे। फ्लेम मैंने हाई कर ली है, आप देख सकते हैं कि खोया और दूध आपस में कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालता हूँ शक्कर, ये 100 ग्राम शक्कर है। आप शक्कर की क्वांटिटी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम शक्कर को भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, हल्के हाथ से चलाते जाएंगे। फ्लेम हाई रखी है मैंने अभी भी, या आप देख सकते हैं कि लम्स पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालता हूँ नारियल का बुरादा, ये 100 ग्राम बुरादा है यानी पिसा हुआ नारियल है ये। अब मैं नारियल को भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेता हूँ। बहुत अच्छी तरह से हम चलाएंगे ताकि नारियल मावा में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें डालता हूँ 1 चम्मच सूजी, इसको रवा भी कहते हैं। सूजी डालने से इसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। बॉन्डिंग यानी अगर हम किसी भी शेप या आकार में इसको बनाएंगे ये बहुत आसानी से बन जाएगा और ये टूटेगा नहीं। अब मैं इसमें डालता हूँ भुने हुए तिल। तिल हमें अधिक मात्रा में रखना है क्योंकि हम बना रहे हैं तिलबुग्गा। तिलबुग्गे में तिल ज़्यादा ही होते हैं, इसलिए मैंने 250 ग्राम मावा में 200 ग्राम तिल डाले हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि तिल मैं कितनी अच्छी तरह से मिक्स कर रहा हूँ, ये तिल कितनी अच्छी तरह से मावा में मिक्स हो चुके हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि तिलबुग्गा बनके बिल्कुल तैयार है। हमें जितना सॉफ्ट इसका टेक्सचर चाहिए था वो बनके आ चुका है। अब मैं फ्लेम को बंद कर देता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेता हूँ। ठंडा करने के लिए मैं इसको एक प्याले में उतार लेता हूँ। वैसे तिलबुग्गा बड़े से डो की शेप में बिकता है, आप इसे किसी भी शेप या आकार में बना सकते हैं। वैसे मैंने इसे पेड़ के आकार में बनाया है। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है, ये तो आपने देख ही लिया होगा। मैं इसको अब सर्व कर लेता हूँ। आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में जल्द। अल्लाह हाफिज़।